हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीबीके ब्यूटी। बीबीके ब्यूटी में आप सबको बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ए हल्दी मेकअप लुक। तो चलिए बात ज़्यादा नहीं करते हुए वीडियो पर चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस को फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर गुड वाइब्स के टोनर यूज़ कर रही हूँ अच्छी तरीके से पूरी फेस पे। उसके बाद मैं एज ए प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स की रोज हिप सीरम। ये सीरम बहुत ही अच्छी है, बहुत अफोर्डेबल है। तो पूरी फेस में अच्छी तरीके से मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं मेरी आईब्रोज को ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट एंड वाइल्ड की आईब्रो पैलेट। अच्छी तरीके से अपने आईब्रोज को मैं ड्रॉ कर लूँगी एंड फिलअप कर लूँगी। अब एक स्पूली की मदद से मैं अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपने आई एरिया पे अच्छी तरीके से कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अब एक ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ। अब कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन की सुपर फेस कॉम्पैक्ट एंड मेरी शेड है पर्ल। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ लियोन ब्यूटी के आई शेडो पैलेट एंड यहाँ से एक ब्राउन कलर को पिक करके अच्छी तरीके से अपनी क्रीज लाइन पे मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब अपनी फिंगर की मदद से मैं एक येलो कलर पिक करूँगी एंड मेरी आईज पे अप्लाई करूँगी। अब दोनों कलर को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्रश के हेल्प के साथ। अब मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की स्केच आईलाइनर। अच्छी तरीके से मैं एक विंग ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पर। अब वही पिंक एंड ब्राउन शेड को मिक्स करके मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई काजल नहीं यूज़ कर रही हूँ, यही आई शेडो में अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन की हाइपर कर्ल मस्कारा। आप सबको पता ही है कि मैं यही मस्कारा यूज़ करती हूँ। अच्छी तरीके से अपने लैशेज पे 2-3-4 कोट में अप्लाई कर चुकी हूँ। फाउंडेशन अप्लाई करने की जो क्लिप थी वो मेरे हाथ से डिलीट हो चुकी है, तो इसीलिए सॉरी। मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और मेरी शेड है गोल्डन बेज। अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन की सुपर फेस कॉम्पैक्ट एंड मेरी शेड है पर्ल। कंटूरिंग के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ NYB की कंटूर स्टिक। एज यूजुअल एरिया पे मैं अच्छी तरीके से कंटूर कर लूँगी एंड एक ब्लेंडर के हेल्प के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड भी कर लूँगी। ब्लश के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ सिवाना कलर्स की ब्लश पैलेट से एक ऑरेंज कलर। मैं अच्छी तरीके से स्माइल करते हुए ब्लश को अप्लाई कर चुकी हूँ।
अब है हाइलाइटर की बारी। एंड हाइलाइटर मैं ब्रश से नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मैं हाथ से ही अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की प्रीशियस पेटल हाइलाइटर। ये बहुत ही अच्छी हाइलाइटर है, मैं यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अच्छी तरीके से एज यूजुअल एरिया पर मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। फेस को सेट करने के लिए मैं टोनर ही अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरीके से पूरी फेस पे अप्लाई करने के बाद एक ब्लेंडर की हेल्प के साथ मैं अच्छी तरीके से मेकअप को सेट कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ NYB की लिपस्टिक। मैं अच्छी तरीके से लिपस्टिक को अप्लाई कर चुकी हूँ। एंड ये जो शेड है वो मुझे याद नहीं है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूँगी। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप ये अपनी फ्रेंड के हल्दी पे या आपकी बहन की हल्दी पे अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हो। आई होप आप सबको ये हेल्प करेगा। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। बाय गाइज़।